हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई, रेल हादसा हुआ है। रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैन ने रविवार को दी। हादसे में 1100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। हादसे के 39 घंटे बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हुआ है, हमने जिम्मेदारों की पहचान कर ली। उड़ीसा ट्रेन हादसे की खबर सबसे पहले NDRF के जवान ने अपने कंट्रोल रूम से भेजी। ये जवान कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार था और छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। उसने कंट्रोल रूम में घटनास्थल की लाइव लोकेशन भेजी। NDRF जवान की भेजी व्हाट्सएप लाइव लोकेशन की वजह से पहली रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची।